बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम इसके अंदर कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल्स में चेक बॉक्स होंगे, ऑप्शन बॉक्स और जो है कमांड बटन्स के बारे में। तो पहले हम रन करवाते हैं और उसके बाद जो है अच्छा इसमें देखें, जहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ टाप किया मैंने, ये टॉप पे बटन आ गया, लेफ्ट किया ये लेफ्ट आ गया, बटन किया बटन हो गया, राइट किया राइट हो गया, फिल किया पूरा फिल हो गया। ऊपर वाले क्या हैं सब? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या क्या हैं? ये डिफरेंट एंकर हैं। एंकर इसको डिफाइन करने के लिए जो है लेफ्ट बटन राइट, उसकी कोडिंग को देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा ये लाइब्रेरीज हैं, कंपोनेंट मॉडल है, ड्राइंग है, विंडोज फॉर्म्स हैं, उनको हमने ऐड किया है। ये है क्लास हमने डिक्लेयर किया, उसका नाम है डॉक मेन, वो इनहेरिट हो रही है, फंक्शन चल रही है किससे? सिस्टम के विंडोज़ के फॉर्म्स के फॉर्म में से। अच्छा प्राइवेट एक जो है हमने बटन बनाया है, रेडियो बटन, जिसका नाम है RDB सेट, रेडियो बटन सेट। अच्छा एक न्यू हमने सब रूटीन बनाई है, जिसके अंदर उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है माई बेस डॉट न्यू, और उसके बाद करंट जो है इसका इंस्टेंस करंट जो है उसको जो है डॉक्यूमेंट को दे दिया। इनिशियलाइज कंपोनेंट क्या है? दिस रिक्वायर्ड बाय द विंडोज फॉर्म बिगनर, जैसे विंडोज फॉर्म स्टार्ट होगा तो पहले वो इनिशियलाइज आप कंपोनेंट करवा दें। RDB बटन जो है उसको कुछ भी फिलहाल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, नन है, और ये चीज़ जो है हमने अपला चेंजेस कर दिए। उसके बाद जो है डिस्पोज है, ये डिस्पोज जब होगा जब भी हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो रहा होगा तो वो जो है ये हमारा जो है डिस्पोज ये होता है कि जिस तरह मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ उसी टाइम पे ये कॉल होगा। यहाँ पे हमने मैसेज नहीं लिखा है लेकिन मेमोरी को ख़त्म करने के लिए ये कॉल होगी जब प्रोग्राम हमारा ख़त्म होगा, जब मेमोरी अलोकेट हुई है उसको फिर डी अलोकेट करेगा, यानी वो वापस दे देगा कि इस मेमोरी को मैं अब यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है वापस ख़त्म हो रहा। उसके बाद ये मेन हमारा फंक्शन है, उसके अंदर इस डॉक मेन का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया है, जिसे अपडेट वांटेड के अंदर हम जो है वो ऑप्शन बटन ऊपर क्लिक किया बनाया है ना। हाँ ये सब नीचे है, एक बनाया ना ओपन, वहाँ पे एक बनाया लेकिन ऊपर उसमें क्या लिखा है हमने? कोडिंग बटन लेफ्ट हो जाए राइट हो जाए ऊपर वो नीचे है। अच्छा वो नीचे है। और इसके अलावा अगर वो आप देखना चाह रहे हैं तो वो बता, ये है यहाँ पे देख रहे हैं इफ आर बटन इज नन है तो उसको क्या करो, ये बटन का जो है बटन को उसको डार्क को जो है नन असाइन कर दो, अगर वो डार्क बटन को टॉप है तो उसको टॉप, लेफ्ट है तो उसको लेफ्ट दे दो। अच्छा ये बटन को ये वो है, अच्छा बॉटम कर लो फिल कर लो। अच्छा इस तरह से जो है वो सब यही है सिंपल प्रोग्राम, और चेक बॉक्स का है जो भी चेंज हो उसको अपना चेंजेस कर रहा है, तो इसके में और कोई बात नहीं है। पैनल पेंट पर वाली आपने 1000 लाइन ऑफ कोडिंग छोड़ दी है, नीचे नीचे जरा आ जाए। अच्छा और नीचे नीचे से और नीचे, हाँ ये वाली यहाँ से जो नहीं इसके नीचे सॉरी, हाँ ये तो मैंने बताया ना डिस्पोज का है, जब भी मेमोरी सॉरी नीचे होगा आपके जी, हाँ ये है अप्लाई चेंजेस, जो कुछ हो रहा है तो उसको अप्लाई हो, यानी बटन को क्लिक कर रहे हैं तो वो बटन लेफ्ट चला जाए राइट चला जाए तो उसको ये है, अगर वो कोई बटन चेंज हो रहा है तो वो जो ऑप्शन हो रहा है उसको जो है सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या हुआ क्या है चेक बटन जिस तरह से देखें अब हम क्लिक कर रहे होते हैं तो उसको जो है उस हवाले से जो आप वैल्यू दे रहे हैं कि चेक बटन इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हो जी। चेक बटन तो इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा, नहीं लेकिन प्रोग्रामी तरह आप उसको ये मालूम कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक मिनट इसको चला गया देखा,
अच्छा ऊपर जो आप टॉप पे क्लिक कर रहे थे क्या ना, लेफ्ट पे बॉटम पे एक भी काम नहीं कर रहा क्यों? ये एंकर है इसको नीचे वाले काम कर, ऊपर वाले नहीं कर रहे क्यों? इसमें रिसेंटली बता दिया है उसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है। आसे जरा एक मिनट पूरी नहीं कुछ, ये क्यों नीचे ऊपर वाले नहीं कर रहे थे? उसके शायद उसने कोई इवेंट नहीं रखा कि उसके ऊपर क्या है चेक बटन। ये लाइब्रेरीज हैं तीन चार। अच्छा हैं जी, ये कह लिखे आपने कि नेम स्पेस हमने डिक्लेयर किया है क्योंकि नेम कंफ्लिक्ट की वजह से। नेम इसके क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सैंपल यानी क्या? ये इस तरह से हमने नहीं लास्ट टाइम इसका किया था, अगर एक नाम दो प्रोग्राम्स दे रहे हैं और दोनों को जो है मिला रहे हैं दोनों का काम, तो मसला होता है कि दोनों ने वेरिएबल्स या फंक्शन के नेम या प्रोग्राम के नेम सेम लगाया हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए ये जो है नेम स्पेस किया होता है कि उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। नहीं समझ, इस चीज़ को हमने लास्ट भी डिस्कस किया हुआ है कि सपोज आपने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट, मैंने भी ये बनाया और हमारे रजा ने भी वही बनाया, उसके बाद ये हो रहा है कि हम ये कर रहे हैं कि तीनों जो है वो प्रोजेक्ट एक ही बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर अब फंक्शन नेम सेम भी है, अब क्या होगा? तीनों के नाम सेम है, ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों का नाम सेम हो, या तो आप कोड चेंज करें या मैं करूं या मोहम्मद रजा करें। तो उसी वजह से हम क्या करते हैं कि नेम स्पेस एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू जो है वो नेम कॉन्फ्लिक्ट होने का बहुत कम चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं होते। बात आई समझ? नहीं आई। देखें आपने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट के नाम से, ठीक है, मैंने भी वो बनाया है कैलकुलेट के नाम से, और अब ये हो रहा है कि अगर दोनों हम बना रहे हैं, अच्छा मेरा कैलकुलेशन कोई सबट्रैक्शन एडिशन कर रहा है, आपका कुछ कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहा है, लेकिन नाम तो एक ही है, अब वो किस तरह से काम करेंगे एक ही प्रोग्राम में? आप कर सकते हैं कि एक ही जो है यानी प्रोग्राम के अंदर दो सेम फंक्शन नाम सेम जी 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 हो सकता है? नहीं, तो ये वो काम क्या करता है कि वो नामों को तब्दील कर देता है। अच्छा फिर हमने पब्लिक क्लास बनाई और ये क्या है? क्लास का इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिटेंस हमने सीखा है कि किसी और इसका सब क्लास जो सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास वहाँ से ये चीज़ें ले रहा है। और ये क्या है, रेडियो बटन बनाया जी, उसका नाम क्या रखा हमने? रेडियो बटन RDB सेट। कैप्शन क्या रखा उसका? मतलब अभी क्रिएट करेंगे तो तब होगा, ये तो सिंपली यहाँ डिक्लेयर किया है। यानी क्या? यानी ये कि यहाँ पे जैसे आप वेरिएबल दे डिक्लेयर करते हैं डिम एज इंटीजर, तो उसको क्या वैल्यू दोगे वो जब आप एज इक्वल टू साइन करोगे तभी पता पड़ेगा। अच्छा ऊपर लिख दिया है फिर उधर तो चार पांच नीचे जाके बनाए, इसका फायदा है कि नीचे जाके चार पांच जितने बनाए चाहे बना सकते हैं। और इधर क्या लिखा है, पब्लिक हो, एक नया सा प्रोसीजर है उसके, हमने उसका ये कंस्ट्रक्टर है, मैं बेस कंस्ट्रक्टर में लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है, तो हमने वो यूज़ किया हुआ। अच्छा डार्क मेन को हमने मी दे दिया। डार्क मेन क्या होता है? डार्क मेन यार इस क्लास का नाम है। हाँ सही है, क्या नहीं पब्लिक क्लास का नाम है डार्क जी। इनिशियलाइज कंपोनेंट उसको कर, जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे उसको इनिशियलाइज कर दो। और ये क्या है जी सर? ये RDB, इसको फिलहाल हम नल वैल्यू दे रहे हैं, कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जो हमने बटन बताया RDB सेट और अप्लाई चेंजेस कर रहे हैं। अप्लाई चेंज एक हमारा मेथड है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। ये क्या है जी सर? ये डिस्पोज के लिए हमने कहा कि मैं मेरी जो लोकोट है उसको डीलोकेट करूँ, पूरा फंक्शन है सब रूटीन है। शुक्रिया।